प्रभु जी आपको हम धन्यवाद, हम आपकी स्तुति करते हैं कि आपने हम सबको आज का दिन दिया। आज सब इकट्ठा हो के आपके नाम को धन्यवाद कर सके। हमने दुआएं की प्रभु सीरिया के लिए, दूसरे देशों के लिए प्रभु, जहाँ तकलीफ लोग उठा रहे पिता परमेश्वर, प्रभु आपको हम धन्यवाद करते कि आपने अपना अनुग्रह वहाँ भेजा और लोगों को बचाना आरम्भ कर दिया है। शांति और अमन की स्थापना पिता उस देश में हो, ऐसा अनुग्रह मांगते हैं। प्रभु आज हम सबका जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं। तेरे वचनों से प्रभु हम सबसे बात कर पिता परमेश्वर, और आपकी इच्छा और आपकी महिमा आज हम सबके जीवन में पूर्ण कर प्रभु जी। मैं अपने आपका जीवन पिता आपके हाथ में सौंपता हूँ। धन्यवाद करते हैं, यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। हम आज के दिन के लिए फिर एक बार हमारे परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हम सबको फिर एक बार यहाँ इकट्ठा किया है कि आज हम प्रार्थनाएं कर सके और वचनों को सुन सके और अपने जीवन में, अपने हृदय में एक बड़ा परिवर्तन को हम लोग देख सके, प्राप्त कर सके। ये बातें प्रभु ने हमारे लिए रखी है और आज उन बातों को समझेंगे। एक बार ऐसा हुआ कि शैतान की सभा थी। सुनिएगा ध्यान से, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग बात करेंगे। शैतान ने अपनी सभा भराई और उसके दूतों को बुला दिया गया रिपोर्ट करने के लिए कि आए और उसको रिपोर्ट करे, जानकारियां दे कि तुम लोग क्या कर रहे हो विश्वासियों के साथ। तो एक एक दूत आता गया और अपने अपनी रिपोर्ट देता गया। शैतान सामने बैठा हुआ है और उसको सब लोग रिपोर्ट दे रहे हैं। तो एक दूत, उसके एक दूत ने बताया कि मैंने फलाने को बीमार कर दिया। वो दिन में 3 चक्कर अस्पताल में निकाल काटता है, बीमार कर दिया, इसलिए बीमार कर दिया ताकि प्रभु यीशु छोड़ दे। पर मैंने देखा कि उसको बीमारी बढ़ती गई, वो अस्पतालों के चक्कर लगाता रहा लेकिन उसने यीशु को नहीं छोड़ा। मैं तंग होके हार मान के वापस आ गया उस विश्वासी के घर से। ओके, दूसरा आया, तूने क्या किया? दूसरे वाले ने जवाब दिया, मैंने एक विश्वासी घर में चोरी करवा दिया, सारा माल लूट लिया। ऐसा लगा कि ये प्रभु यीशु को छोड़ देगा, बहुत पकड़ेगा कि मेरे घर में चोरी क्यों हुई। लेकिन पूरा उल्टा हुआ, चोरी हुई तो बोलने लग गया प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, और कोई निराशा उसके जीवन में नहीं, कोई दुख उसके जीवन में नहीं। तो मैं तो तंग होकर हार मान के वापस आ गया। अच्छा अच्छा, तूने क्या किया? तीसरे वाले ने रिपोर्ट दिया, मैंने एक विश्वासी को चलते चलते एक्सीडेंट करवा दिया, उसकी गाड़ी चकनाचूर हो गई, उसकी दो हड्डियां भी टूट गई। अच्छा, फिर वो वही गिरे गिरे बोलता, प्रभु आपका धन्यवाद, तूने मुझे मरने नहीं दिया, हड्डी टूट लेकिन मरने नहीं दिया। मैं तो कोशिश करके तंग आ गया, मैं वापस आ गया हूं। और कई और दूत आते गए और ऐसे ही रिपोर्ट करते रहे और सब दूतों ने शैतान को रिपोर्ट दिया कि भाई हमने बहुत सारे प्रयास किए लेकिन हम जीत नहीं पाए। अब क्या करे, कैसे करे, कैसे विश्वासियों को प्रभु के रास्ते से हटाए, हमारे पास कोई रास्ता बचा ही नहीं है। तब शैतान ने उनसे कहा, मैं तुम्हें एक अच्छा रास्ता बताता हूं, ये बिल्कुल पक्का रास्ता है, ये चीज आप उनके साथ करोगे तो वो पक्का प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देंगे। तो सारे शैतान दूत देखने लगे, हाँ बताओ बताओ, क्या क्या, कौन सी वाली बात पड़ेगा बताओ। तुम जाओ विश्वासियों के घरों में, उनकी कलीसियाओं में, उनके व्यापार में, उनके वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में जाओ और जाके उनको निराश कर दो, निराशा में डाल दो। कुछ मत करो, ना चोरी करने की जरूरत नहीं है, एक्सीडेंट करवाने की जरूरत नहीं है, बीमार कराने की जरूरत नहीं, ना कुछ नुकसान पहुंचाने की जरूरत, सिर्फ निराशा में डाल दो। एक बार वे निराश हो गए तो हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देने वाले हैं। तो जाओ और जाके विश्वासियों को निराशा में डाल दो। ये शैतान का सबसे पावरफुल हथियार है विश्वासियों के विरोध में। उसको पता है कि हम कहां कहां, मतलब कहीं भी टूटे, कितना भी हमारे साथ हो जाए, हम टूटते ही नहीं है। पर जब हम निराश हो जाते हैं तो अपने आप छोड़ देते हैं। युद्ध में लोग इसलिए नहीं हारते कि लड़ नहीं पाए या तलवार कम पड़ गई या हथियार कम पड़ गए। कई बार युद्ध में लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि देखते बहुत बड़ी सेना है, मैं नहीं जीत पाऊंगा, वही घुटने टेक देते हैं और हार मानते हैं, बिना लड़े हार मान लेते हैं। और ये उनके हारने का
कारण है, बिना लड़े हार मान लेते हैं। मेरे प्यारों, आज कई विश्वासी भी शैतान के इसी डंक से घिरे हुए हैं। कौन सा डंक? निराशा। क्या आप में से कोई है जो निराश है? निराश हो गए हैं, तंग आ गए अपने पारिवारिक जीवन से, क्या रोज का वो काम में परेशान हो गया हूं, ये लड़का सुधरता ही नहीं है, ये लड़की माँ हाथ बदलने को तैयार नहीं है, मेरा पति बदलने को तैयार नहीं है, मैं तो निराश हो गई हूँ, मेरी पत्नी चंगा होने को तैयार नहीं है, मैं तो निराश हो गया हूँ, नौकरी की वजह से मैं निराश हो गया, मैंने कितने पापड़ बेले, मैंने कितने दुख उठाए पर मुझे नौकरी कहीं नहीं मिल रही, कितनी जगह इंटरव्यू दिया मैं तो निराश हो गया, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। कई लोग सोचते मैं तो इतनी पढ़ाई करता हूँ लेकिन फिर भी मुझे मार्क्स कम आते हैं। हम हर साल जब बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स आते हैं तो देश में सैकड़ों जवान बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि वे निराश हो जाते कि मैं फेल हो गया, मुझे कम परसेंटेज मिले, अब मुझे कहीं जॉब नहीं मिलेगा, मुझे फलाने जगह एडमिशन नहीं मिलेगा। निराश, निराशा के कारण लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, निराशा के कारण लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, चर्च आना बंद कर दिया, प्रार्थनाओं में बैठना बंद कर दिया, दुआ करना बंद कर दिया, बाइबिल के साथ बाइबिल पढ़ना बंद कर दिया, विश्वासियों की संगति करना बंद कर दिया। इतने निराश हो गई है कि उन निराशा उनके चेहरे पे, उनके बदन पे और उनके कामों पे वो निराशा दिखाई पड़ रही है। मेरे प्यारों, आज जानेंगे कि निराशा से कैसे मुक्ति पाई जाए, क्या करती है निराशा, हमें कैसे इसमें से मुक्ति मिलेगी, ये सब बातों पर आज हम प्रभु के वचन से अध्ययन करेंगे। सब लोग निकालिए अपने बाइबल में से यहोशू की पुस्तक, पुराने नियम में आपको यहोशू मिलेगा, यहोशू की पुस्तक अध्याय 14 और वचन 8, यहोशू अध्याय 14 और वचन 8, वचन 8 में ऐसा लिखा है, मिल गया सबको, वचन 8 में लिखा है, और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, ठीक है, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा को, यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। कालेब बात कर रहा है, कालेब पहुंचा है यहोशू के पास, कालेब थोड़ा छोटा है, यहोशू थोड़ा बड़ा है, और कालेब पहुंचता है यहोशू के पास। पता है जब प्रभु ने मिस्र के गुलामी के देश में से जिन लोगों को बाहर निकाला था, जो पीढ़ी चल रही पीढ़ी से, मात्र कालेब और यहोशू, यही लोग, कालेब और यहोशू, ये दो व्यक्ति बच चुके थे उस पीढ़ी के जो वाचा के प्रदेश में गए थे। पूरी घटना ऐसी है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, पूरी घटना ऐसी है कि परमेश्वर ने मूसा से, मूसा के लोगों से वादा किया, मैं तुम्हें ऐसे देश ले जाऊंगा या दूध और मधु यानी शहद की नदियां बहती है, ऐसे देश में ले जाने वाला हूं। सब लोग तैयारी में गए, उस देश में जाना ही है तो उस देश में जाने से थोड़ा पहले वे रुक गए थे, कुछ समय के लिए रुक गए थे, और कुछ सिपाहियों को भेजा मूसा ने, कुछ सिपाहियों को भेजा कि जाओ थोड़ा सा तहकीकात करके आओ, छानबीन करके आओ कि जिस देश में जाना है वहां का हाल चाल क्या है, वहां के लोग कैसे हैं, क्या सचमुच वहां दूध मधु की धारा बहती है। तो सारे लोग चले गए, मतलब जो भेदी लोग थे, सिपाही थे मूसा के, वो चले गए। चले जाने के बाद देखा कि भाई बहुत बढ़िया शहर है, बहुत बढ़िया देश है, फलों की तो बात मत कीजिए, इतने सुंदर फल, इतने ताजे फल, इतने प्रकार की वैरायटी है फलों में, कितने सुंदर फल है वहां पे, कितने खेतियां कितनी आसानी से होती है वहां पे, फल कितने आसानी से होते हैं, जानवर कितने ज्यादा है, नदियां कितनी भरपूर है वहां पे, पीने का पानी के लिए तो तरसना नहीं पड़ेगा, मौसम कितना सुहावना है वहां का, सब बढ़िया है, अच्छा पैसा है, अच्छी चीजें हैं, अच्छा फल है, अच्छी खेती होती है, सारा प्रदेश बहुत अच्छा है। अच्छा, कुछ फल लाए दिखाने के लिए मूसा को, बोले देखो कितने सुंदर सुंदर फल है, इतना बढ़िया देश है, दूध और शहद, बोले सचमुच ऐसा ही है वो देश। अच्छा, फिर चलना चाहिए क्या? तो नहीं 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 सर, नहीं 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 जा सकते हैं। कालेब अपने कुछ साथियों को लेकर गया भेद लेने के लिए, तो साथियों ने आके ये सब सारी घटना गिनती के 13वें अध्याय में आपको मिलेगी, जो बाद में आपने पढ़ लेना, गिनती उसके 13वें अध्याय में मिलेगी, बाद में पढ़ना है ना। सो लोगों ने आए, अच्छा फिर चलना है, तो उन्होंने कहा लोगों ने, नहीं नहीं हम नहीं जा सकते,
कालेब के संग वो सारे सिपाही गए थे, सिपाही ने मना कर दिया कालेब के साथ मिलके, यानी कालेब जो चुपचाप खड़ा है, लेकिन मूसा को बोल नहीं सर नहीं जा सकते हम, क्या बात क्या है भाई, देश तो अच्छा है पर समस्या इतनी ज्यादा है कि उस देश के लोग बहुत बलवान हैं। देखो निराशा कैसी आती है, भूल गए कि अभी अभी परमेश्वर ने समुद्र को फाड़ दिया था, रास्ता नहीं था, समुद्र फाड़ दिया और रास्ता बना के अपनी प्रजा को प्रभु ने बाहर निकाला, भूल गए कैसा परमेश्वर ने वो फिरौन की सेना आई थी मारने के लिए और जो पानी की दीवारें खड़ी कर दी थी और पानी को एक कर दिया और पूरी सेना फिरौन की सेना पानी में डूब के मर गई, ये भी भूल गए खाने पीने की समस्याएं चल रही थी, मारा नाम की जगह में पहुंचे जहां पे कड़वा पानी था तो परमेश्वर ने कड़वे पानी को मीठा बना डाला, चमत्कार, ये भी भूल गए कैसा परमेश्वर ने आसमान से मन्ना गिरा गिरा के खिलाया, ये भी भूल गए कैसे इन 40 साल की यात्राओं में, ये यात्रा में ही थे वो लोग एक्चुअली, सो जितने भी साल हुए होंगे उनको उन यात्राओं में उनके कपड़े नहीं फटे, उनको तकलीफें नहीं हुई, ये भी भूल गए, सिर्फ क्या देखकर कि दूध मधु की धारा बहने वाले देश में लोग ताकतवर है, बलवान लोग है, अच्छा ताकत, उनका तलवारबाजी का मुकाबला नहीं किसी से, वो इतने फाइटर लोग है कि हम तो उनके सामने टिक ही नहीं पाएंगे, अच्छा फिर और काले कोशिश कर रोकने, रुक 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 ऐसा मत बोल, वो रुकने को नाम नहीं ले रहे, और आपको पता है मूसा आपको पता है, वो लोग कह रहे हैं मूसा से, मूसा जी आपको पता है कि उस देश में नदी के किनारे भी लोग बैठे हुए हैं, अच्छा फिर कुछ तो पहाड़ में बैठे हुए हैं, वहां पे फरीसी है, यबूसी है, अम्मोनी है, हित्ती जाति के लोग है जो सब हमारे विरोधी है, पहाड़ों पर मकान है उनके वाले, उनके मकान नदी किनारे में है, और जैसे हम लोग जाएंगे तो पहाड़ों से देख लेंगे हमको, जैसे हम तो पहुंचना दूर वहीं से हम पर आक्रमण करेंगे, हमको मार डालेंगे, हम वहां नहीं जा सकते हैं, ऐसा करके मना किया। क्या पढ़ा यहोशू में, कालेब ने कहा जो लोग मेरे साथ गए थे, आठवीं आयत में क्या लिखा है, जो लोग मेरे साथ गए थे उन्होंने प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, है ना, जितने भी लोग थे सबको निराश कर दिए, एक बड़ी आशा थी कि हम वहां जाएंगे, गुलामी वहां पे नहीं होगी, बढ़िया खाना मिलेगा, अच्छा जीवन होगा, लेकिन वहां के समस्याओं को देख के, वहां की हालातों को देख के निराश हो गए, हार मान के लिखा है कि सबका मन तोड़ दिया उन्होंने, निराश हुए, लेकिन कालेब ने कहा परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी, मुझे परमेश्वर के वचन ने हियाव दिया, अकेला कालेब था जिसने हिम्मत दिखाई, कुछ भी हो वो कितने ही बलशाली क्यों ना हो, उनके पास कितने बड़े हथियार क्यों ना हो, उनके पास ताकतें कितनी बड़ी क्यों ना हो, वे तलवार के आधार पर लड़ते हैं, हम चलेंगे, हम सेनाओं के यहोवा के नाम से लड़ेंगे, हालेलुया, और सेनाओं का यहोवा जिसने हमसे वादा करके रखा है वही हमको विजय देगा, ये सोचकर वो आगे गया निराश लोगों को हरा के या निराश लोगों को दूर करके। मेरे प्यारो, मैंने ये घटना कालेब की घटना आपको इसलिए बताई क्योंकि हम भी कालेब के जैसे होते हैं और कालेब के मित्रों के समान हम आसपास के लोगों से घिरे रहते हैं जो निराशावादी लोग होते हैं, नकारात्मक बात करने वाले लोग होते हैं, है ना, निराशावादी लोग होते हैं, नकारात्मक बात करने वाले लोग होते हैं, जहां कहीं जाओ तो लोग कहेंगे आपकी कितनी पढ़ाई है, मैं ना 10वीं तक, अरे 10वीं तक आप तो कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, भूल जाओ, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप कहाँ रहते हैं, मैं वो वाली एरिया में रहता, अरे वो एरिया तो बहुत गंदे लोग रहते हैं वहां पे, वहां का कोई आदमी उठ नहीं सकता, मतलब आप कभी मकान नहीं खरीद पाएंगे, अच्छा आपकी आमदनी कितनी है, मेरी आमदनी तो बहुत कम है, साल का मैं 50 कमा लेता हूँ सिर्फ साल का, अरे फिर तुमको तो लोन मिल ही नहीं सकता, भूल जाओ लोन मिलना, तुमको मकान नहीं मिल सकता, तुमको नौकरी, तुमको परसेंटेज कितने मिले हैं, बोले मुझे 40%, तो भूल जाओ, तुमको तो इंजीनियरिंग में आपको तो एडमिशन ही मिलना नहीं है, सब तरफ निराश 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 करने वाले लोग, कोई आपको उकसाने वाला नहीं, कोई आपको प्रोत्साहित करने वाला नहीं। एक बार पता ऐसा हुआ कि मेंढकों का झुंड चल रहा था और चलते चलते एक मेंढक जो था, मेंढक गड्ढे में गिर गया, मेंढक मालूम, मेंढक, हाँ मेंढक गड्ढे में गिर गया, एक नहीं दो गिर गए, तो दो मेंढक गड्ढे में गिर गए तो सारे मेंढकों का समुदाय पूरे गड्ढे के आजू बाजू खड़ा हो गया और चिल्लाने लगे, अरे बाप रे दो हमारे गिर गए, और जो दो नीचे गिरे थे वो उछल उछल के बाहर आने का प्रयास कर रहे,
सब लोगों ने देखा बेचारे बहुत मेहनत कर रहे पर निकल नहीं पाएंगे, गड्ढा बहुत गहरा है। सो उनको बोल दिया तुम बाहर नहीं आ सकते हो, तुम वही जान दे दो, हार मान लो, तुम कितना भी करोगे तुम बाहर नहीं आ पाओगे, जान दे दो, छोड़ दो छोड़ दो। छलांग लगा, एक ने उनकी बात मान ली और सचमुच उसने लंबी छलांग लगाई, नीचे घुस गया और वो मर गया। लेकिन दूसरा वाला छपक छपक छलांग लगाते रहा, लोग फिर जोर जोर से नारे लगाने लगे, चिल्लाने लगे, देख तू क्यों इतना निराश हुआ है, इतना दुख मत उठा, तेरे भाई देख, तेरा दोस्त देख, उसने हार मान के उसने अपना प्राण छोड़ दिया है, तू भी इतनी मेहनत कर मेरे भाई, मेहनत मत कर, अपना प्राण छोड़ दे, तू बाहर नहीं आ सकता है। वो जितना जोर चिल्लाते थे वो उतना जोर छलांग छलांग लगाता था, वो चिल्लाते रहे, इसका छलांग लगाना चालू रहा और ऐसा एक छलांग लगा छछपाक सीधा बाहर, गड्ढे के बाहर। हालेलुया। अब ऐसा हुआ कि सब लोग, अच्छा तू कैसे आया, सब ने घेर लिया। तो उसने, बूढ़े दादाजी भी थे मेंढकों के, बोले क्यों रे भाई, हम इतना जोर से चिल्ला रहे थे कि तू निकल नहीं पाएगा, निकल नहीं पाएगा, उसने प्राण दे दिया तेरे दोस्त ने, तूने भी प्राण दे देना चाहिए था, तू निकल नहीं पाएगा, हम चिल्ला चिल्ला के बता रहे इतनी मेहनत मत कर, इतनी मेहनत मत कर, तब भी तू भाग निकला, गड्ढे से बाहर निकला, तूने हमारी एक नहीं सुनी। तो मेंढक ने कहा अच्छा आप ऐसा कह रहे थे मर जाओ मर जाओ, मैं तो बहरा हूं और मुझे लगा आप मुझे आ सकते हो, तुम आ सकते हो, तुम आ सकते हो, मैंने सिर्फ देखा आपको सुना कुछ नहीं आया, मैं तो बहरा हूं। और मुझे वो जोश मिला, मुझे वो जोश मिला और इसलिए बाहर आ गया। हालेलुया। हाँ जी, अच्छा है कि हम कई बार बहरे ही रहे। हालेलुया। सो निराश करने वाले, नकारात्मक बातें करने वाले लोग हमारे कहां मिलेंगे, हमारे घर में भी हो सकते हैं, हम जहां नौकरी करते वहां हो सकते हैं, हम बाजार में जा रहे वहां हो सकते हैं, बस में जाएंगे वहां हो सकते हैं, कहां पर भी निराशावादी लोग मिलेंगे। हम ऐसे ही निराशा भरे नकारात्मक लोगों से घिरे हुए रहते हैं। एक वचन पढ़िए, अय्यूब छठवां अध्याय, अय्यूब उसका अध्याय 6 और वचन 26, अय्यूब अध्याय 6 और वचन 26 मैं पढ़ूं आपके लिए, 6:26 में लिखा है क्या तुम बातें पकड़ने की कल्पना करते हो, क्या तुम बातें पकड़ने की कल्पना करते हो, निराश जन की बातें तो वायु की सी है। जो आदमी निराश होता है उसकी बातें कैसी होती है, हवा जैसी होती है, जो मन में आया बकबक करते रहता है, जैसा मन में आया वैसा बकबक करते रहता है, बोलते उसकी उसकी बातें पकड़ने की कोशिश भी मत करो तुम। जो आदमी निराश होता है उसकी बातें अर्थहीन होती है, कोई अर्थ नहीं उसकी बातों में, वो कुछ ही बकबक बकबक। आपको ऐसे कई लोग मिलेगा आसपास, खूब बैठे हो जाएगा, बीमार हो जाऊंगा लगता है, लगता है आज इस बार तुम लुट जाऊंगा मेरा, मुझे मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा इस बार, ना 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 ना। अरे कोई अर्थहीन बात है। एक आदमी ऐसा बस में सफर कर रहा था, बस में सफर कर रहा है, अब बस में भीड़ है, चलती बस में थोड़ा धक्का बुक्की चलती रहती है, तो एक आदमी निराशावादी था, खड़ा हो गया ऐसा, हाथ पकड़ा है और बस चल रही है, तो उसके बाजू वाले का धक्का लग गया ऐसा, तो इसने बोला अरे भाई थोड़ा संभल के रहो, धक्का मत लगना, गिर जाऊंगा, गिर जा, धक्का मत लगाओ, गिर जाऊंगा मैं। तो उसने जवाब दिया भाई गिरे तो नहीं ना आप, गिरे तो नहीं ना, अभी बस चल रही है, गिरे तो नहीं, ऐसे कैसे गिरे नहीं, गिर जाता तो, गिर जाता तो, गिर जाता तो मुझे चोट लग जाती थी भाई, लगी तो नहीं चोट ना, ऐसे कैसे लगी नहीं, मर जाता तो, अरे भाई आप मरे तो नहीं ना, ऐसे कैसे मरे नहीं, मर जाता तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाते तो, अरे भाई तुम्हारे बच्चे अनाथ हुए तो नहीं ना, ऐसे कैसे अनाथ नहीं हुए, रास्ते में भीख मांगते तो मेरे बच्चे, अरे भाई अभी तुम धक्का भी लगा नहीं, तुम मरे भी नहीं हो, तो तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम मुझे मेरे बच्चों को अनाथ करना चाहते हो, मेरी बीवी विधवा हो जाएंगी तो। अरे वो आदमी तंग आ गया उसकी बातों से, उसने कहा एक काम करो, सच मुझे इच्छा रही तुम्हें गला दबा के मार डालू। तो कुछ निराश ऐसे होते, शुरुआत छोटी तकलीफ से होती है और वो इतना लंबा आगे सोच लेते, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, अरे अभी हुआ तो नहीं तो। हालेलुया। मेरे प्यारों, हम ऐसे निराशावादी लोगों के साथ बिल्कुल खड़े ना रहे और ना निराशावादी लोगों की संगति करें।
जो सकारात्मक है, जो पॉजिटिव सोचते हैं, जो आशावादी है, उनके साथ आपको आशीष मिलेगी। लेकिन निराश लोग ऐसे पता कैसे होते हैं, हम तो डूबे सनम साथ तुमको भी ले डूबे, ऐसे निराश लोग होते। तो निराशाओं के साथ मत चले, हमें तो इसमें से चाहिए। ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, लोगों को निराश कर देना और उनको परमेश्वर से अलग हो जाना। कभी कभी सोचिएगा, हम जिन बातों की चिंता करते हैं, जिनके कारण हम लोग निराश हो जाते हैं, उसका अंत क्या? थोड़ा पढ़िए सभोपदेशक पढ़िएगा, सभोपदेशक निकालिए, नीति वचन के बाद मिलेगा आपको, भजन संहिता नीति वचन के बाद मिलेगा सभोपदेशक अध्याय, दूसरा अध्याय, सभोपदेशक अध्याय 2 और वचन 20, दूसरा अध्याय वचन 20, वहां लिखा है, तब मैंने अपने उस सारे परिश्रम के विषय में जो मैंने धरती पर किया था, फिर से, तब मैंने, सुलेमान राजा है वो कहता है, तब मैंने अपने सारे परिश्रम के विषय में जो मैंने धरती पर किया था देखा, तो क्या हुआ? निराश हुआ। कौन कह रहा है? ये गरीब आदमी नहीं कह रहा है, ये सुलेमान राजा है। अब सुलेमान राजा कौन है? वो तो है, पर सुलेमान राजा के समान कोई राजा नहीं बना। इतना पैसा, इतना सोना, इतना चांदी, ऐसा लिखा है कि 666 टन सोना उसको मिलता था गिफ्ट में। लोग दूर दूर से मिलने आते थे, महाराज चलते कैसे है, इनके सिपाही बैठते कैसे है, और मिलने आते थे और खूब सारा सोना, खूब सारा पैसा देकर जाते। बहुत सारी रानियां थी सुलेमान राजा की, बहुत खाना खाया, बहुत बड़े बड़े मकानों में रहा, और ऐसा कोई सुख नहीं होगा जो उसने नहीं भुगता है, सारे सुख भुगत लिए। अब क्या बोलता है वो, मैंने पलट कर देखा, मैंने जो काम मैंने देखा, जो मैंने काम सब पर देखा, तो क्या उन सब कामों को देखकर मैं निराश हो गया। मेरे प्यारो, जिन बातों की हम चिंता करते हैं, जिन बातों के बारे में हम सोचते हैं, उनका अंत क्या होता है? उनका अंत क्या होता है? कुछ भी नहीं। याद करो, 3 साल पहले आप एक साड़ी के पीछे खूब पड़े थे, याद है? वो साड़ी मैं लेके रहूंगी, कुछ लोग वो शर्ट मैं लेके रहूंगा, वो वाला मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। कुछ मोबाइल फोन 3 साल पहले आपने खरीदा होगा, नहीं नहीं ये लेटेस्ट है उस समय का, मुझे खरीदना है, मुझे चाहिए, मुझे मेरे पास होना चाहिए। 3 साल बीत गए हैं, आज अब हम बात करेंगे, आप कितना टेंशन में आ गए थे, इतना पैसा कहाँ से इकट्ठा करूँ, और कैसे वहाँ मिल जाएंगी साड़ी मुझे, वो शर्ट कैसे मिल पाएगा, वो मोबाइल फोन कैसे खरीद पाऊंगा, यहाँ से थोड़ा लिया, वहाँ से थोड़ा लिया, इससे बात किया, उससे रिक्वेस्ट किया, कितने कितने रात को नींद नहीं आती थी, वो साड़ी खरीद के ही रहूंगी, रात को नींद नहीं आती थी। सब आपने बहुत परिश्रम किया, अंत में आपको साड़ी मिली, शर्ट मिला, मोबाइल मिला, और आपने प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु तूने ये सब करने में सहायता किया। आज 3 साल का पूछो साड़ी कहाँ है, जिसके लिए आपने बहुत चिंता की, रात रात को सोए नहीं थे, वो शर्ट कहाँ है, मोबाइल फोन कचरे के डिब्बे में होगा आज, 3 साल पहले जो खरीदा था, बराबर है? वो साड़ी जो खरीद, जिसके आपने बहुत परिश्रम किया, परेशान हुए, निराश हुए, या मैं कहूं बहुत ज्यादा आतुर हुए थे उसके लिए, साड़ी खरीदी, 2-3 महीना बड़ा आनंद रहा, धीरे धीरे होते 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 साड़ी पुरानी हो गई, जब साड़ी पुरानी हो गई उसको काट के दरवाजे का पर्दा बना डाला, जब पर्दे से मन भर गया उसको भी तोड़ के काट के फर्श पोछने का पोछा बना डाला, जब वो उसने भी दम तोड़ दिया उसको जला के पानी गर्म कर डाला। सोचो मैं कितनी व्यर्थ चिंता किया था साड़ी के लिए, वो शर्ट कहाँ रहा, वो मोबाइल फोन कहाँ रहा, वो शादी और ये न वो कहाँ रहा। मेरे प्यारो, हमारी चिंताएं व्यर्थ है, व्यर्थ है हमारी चिंता। जिन बातों के बारे में हम चिंता करते हैं, कैसा होगा, कहाँ होगा, कब होगा, एक बात बताऊ, जो होगा वो सही होगा। हालेलुया। जीवन में एक सूत्र बनाइए, जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद, है ना? जो मिलना था उसके प्रभु की तारीफ करें, जो नहीं हुआ मिला धन्यवाद दो, अच्छा हुआ नहीं मिला, नहीं तो कुछ हो जाता, और धन्यवाद दो। चिंताएं करना, हमारी चिंताएं सब कुछ व्यर्थ होती है। हम क्यों निराश हो जाए चिंता कर करके, जबकि ये शैतान का हथियार है निराशा, हम उसके हथियार में पड़े ही क्यों? आज हम जिन बातों के लिए चिंता कर रहे हैं, आने वाले 2 साल के बाद उन बातों की चिंता हम लोग नहीं करने वाले हैं।
जब पलट के देखोगे, अरे मैं कितना मूर्ख हूं, मैंने इतनी सारी चिंता की वो चीज के लिए, वो बात के लिए। हमें इतनी चिंताएं करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के पास एक समय है, सब पूरा करने का एक समय है। हमारा परमेश्वर ना देर करता है, सुनिए, हमारा परमेश्वर ना देर करता है और ना जल्दबाजी करता है। दो बातें बताए, ना देर करता है ना जल्दबाजी करता है, ठीक है, लेकिन जो करता है वो समय पे करता है, सही समय पे करता है। हालेलुया। जल्दबाजी क्या होती, छोटे से बच्चे ने पापा को बोला पापा स्कूटर लेके दो, 7 साल का बच्चा है, पापा को बोलता पापा स्कूटर लेके दो, ये जल्दबाजी होगी उसको स्कूटर दिलाना, है ना, जल्दबाजी नहीं करता है। और ऐसा भी नहीं कि प्रभु देर करता, प्रभु 50 साल की उम्र हो गई अब तो शादी करवा दो, ऐसा भी नहीं करता। प्रभु को जो काम करना है वो सही समय पे करता है, उसका समय आएगा, काम पूरा होगा। हम चिंता ना करें, हम चिंता करके निराश होके हमारे सिर के बाल जो सफेद सफेद होते कभी उसको काला भी नहीं कर सकते हैं। आप बोलो कर सकते हो, फक्त यानी सिर्फ 30 रुपए। वो पप्पा आते गोदरेज हेयर डाई के एड में, कितना महंगा कितना, नहीं पप्पा सिर्फ 30 रुपए, 30 रुपए में बाल काले हो जाएंगे। अरे हाँ बेटा 30 रुपए में बाल काले हो जाएंगे, लेकिन 10 दिन के बाद वापस सफेद दिखना चालू हो जाएंगे। जब हम 30 रुपए से 10 दिन के लिए बाल काले कर सकते हैं, ज्यादा दिन के लिए नहीं कर सकते हैं। वचन बोलता है तुम अपना सिर के बाल सफेद को काला, काले को सफेद नहीं कर सकते, तो क्यों चिंता करते हो, क्यों चिंता करते हो। कितनों को शादी की चिंता है, कितनों को शादी की चिंता है। मुझे, मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि आदम ने कहा ओ प्रभु जी मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी कर दो, मेरी प्रेयर 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 कर रहा हूं शादी करा दो। आदम ने कोई प्रेयर नहीं किया, ये तो परमेश्वर ने जान लिया कि इसको अभी शादी का टाइम हो गया है, इसका अकेला रहना ठीक नहीं है, इसके लिए मैं स्त्री बनाऊंगा। उसने कोई प्रेयर नहीं किया शादी करा दो, शादी करा दो। टाइम आया, प्रभु ने काम किया। हम जिन बातों की अपेक्षा करते मेरे प्यारों, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। सुलेमान ने कहा मैंने सब अपने कामों को देख लिया और मैं निराश हुआ, हवा को पकड़ने समय ने सारा टाइम मैंने कहा बर्बाद किया। लेकिन पता ही निराशा होती किसके लिए, फिर जो हमारे लिए नहीं है, हमें निराश होना नहीं चाहिए। निराशा के बारे में लिखा है बाइबल में कि निराश तो परमेश्वर के शत्रु होंगे। प्रेज द लॉर्ड। निराश परमेश्वर के शत्रु होंगे, क्योंकि निराशा विश्वासियों का भाग नहीं है। पढ़िए ऐसा यशाया 19वां अध्याय, यशाया अध्याय 19 निकालेंगे हम लोग और वचन 10। यशाया अध्याय 19 और वचन 10, जहां यो लिखा है मिस्र के रईस तो निराश और उसके सब दूर उदास हो जाएंगे। मिस्र भरा पूरा पैसे वाला देश, बहुत रईस लोग रहते वहां पे। ऐसा लिखा है कि ये वो मिस्री लोग हैं जिन लोगों ने इज़राइल को गुलामी में डाला था, ठीक है। सो मिस्र के तमाम रईस जो होंगे, जिन्होंने गुलामी कराई इज़राइलियों से, प्रभु के भक्तों से गुलामी कराई, जिनको, जिन पर दबाव बनाया, जिनके भरोसे में बहुत पैसा कमाया, अब लिखा है कि मिस्र के रईस जिन्होंने तुम्हारी बुराई की, वे सब निराश हो जाएंगे और उसके सब मजदूर उदास हो जाएंगे। मैंने पहली शुरुआत किया, शैतान ने सभा भराई और जो रिपोर्ट करने आए थे क्या वे आनंदित थे, नहीं, वे निराश थे। वो निराश थे कि हमने इतना सब कर दिया पर प्रभु यीशु मसीह को छोड़ने को खाली नहीं है। ये उनका भाग है निराश होना, ये हमारा भाग नहीं है। हमारे भाग में प्रभु ने क्या रखा है, आनंद, और वही आनंद क्या होता है, हमारी ताकत। प्रभु का आनंद हमारी ताकत है, शक्ति है। जितने आनंदित होंगे उतनी ताकत आपकी बढ़ेगी, आध्यात्मिक ताकत बढ़ेगी, भौतिक ताकत बढ़ेगी, और प्रभु का आनंद आपको जीवन में बहुत बड़े ऊंचाइयों पर सफलता पाने के लिए वो शक्ति और बल देगा। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, किसी बात को लेकर निराश मत होइए, किसी बात की चिंता मत कीजिए, और ना किसी बात को लेकर
ऐसे उदास हो कि उनको तो मिला मुझे नहीं मिला। बाइबल बोलती दूसरों का देख के कुड़कुड़ मत कर, जो तेरे पास है वो शायद किसी के पास नहीं होगा। और हम क्या पाना चाहते, क्या पाना चाहते मुझे बताइए, क्या पाना चाहते हैं? कितना दिन आनंद भुगतोगे आप, कितना दिन खुशियां मनाओगे आप, क्या पाना चाहते हैं? है ना, कुछ नहीं मिलना है मेरे प्यारों। जो चीजों के लिए, जिन वस्तुओं के लिए, जिन बातों के लिए हम आज प्रयास कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, वो सब कुछ छूट जाना है, बर्बाद हो जाना है, खराब हो जाना है। उनको निराश नहीं, आपको चलते रहो। मिस्र से निकाले गए इसराइलियों की कहानी हमें एक बात को दर्शाती है, अगर आप परमेश्वर पर निर्भर हो सब मिलेगा, सब मिलेगा। प्रभु जी अच्छा वाला खाना दो ना, रोज आलू बैंगन खा के तंग आ गया हूं, तो मन्ना गिरा गिरा खाना खिलाया, चप्पल बाटा की, कौन सी कंपनी चप्पल प्रभु ने दिया होगा, टूटने का नाम नहीं ले रही है, फटने का नाम नहीं ले रही है। पता नहीं कौन से कंपनी के खुदा आपने कपड़े पहना दिए उनको, रेमंड का होगा, विमल का होगा, डिगजाम का होगा, फटने का नाम नहीं ले रहे। हालेलुया, क्या मेडिकल टेक्नोलॉजी, उनकी महिलाएं गर्भवती होती थी और यात्रा चलती ही रहती थी, कोई बीमार नहीं पड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्यारो चलते रहो, रास्ते की हर जरूरत परमेश्वर पूरी करता चलेगा। इसलिए यीशु ने जब अपने शिष्यों को भेजा, चेलों को भेजा सेवा करने के लिए, पता उनके पास क्या रख लिया था? उनका सूटकेस रख लिया था, मेरा मत रखना अब, आज मैं जाने वाला हूं। उनका सूटकेस छीन के रख लिया, उनकी लाठियां रख लिया, उनके बटवे पर्स निकाल के रख लिया, उनके जूते निकाल के रख लिया, बोले अब जाओ, अब जाओ। क्या प्रभु आपने सब रख लिया? रास्ते में भूख लगेंगी तो कहां से खाऊंगा, टिफिन दिया था बीवी ने बना के, रख रख इधर देख मैं खाने वाला हूं। कपड़े क्या पहनूंगा प्रभु, नहाने के बाद कपड़े तो लगेंगे, कपड़े बैग में रखे, रख इधर तेरी बैग की जरूरत नहीं है। पैसा प्रभु, ट्रैवल यात्रा करने के लिए पैसा, रख बटवा दे रहा है यहां पे, जूते भी रख, लाठी भी रख और निकल पड़ो मेरे नाम से। जब वे निकले और लौट कर आए कुछ समय के बाद में, बड़े खुशी खुशी आनंद आनंद आते, तो प्रभु ने पूछा अच्छा सुनो एक बात बताओ मुझे, मैंने ये तुम्हारा सब सामान रख लिया था, तुम्हें तकलीफ हुई किस बात की? वो चीखे चिल्लाए आनंदित हो गए, बोलते प्रभु जी हमें कोई बात की घटी नहीं हुई, हमने देखा कि तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में आ गई थी। हालेलुया। प्रभु ने ऐसा इसलिए किया, वो सिखाना चाहता था मनुष्य केवल रोटी से नहीं, कपड़ों से नहीं, बटवे से नहीं, चप्पल से नहीं, लाठी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचनों से जीवित रहेगा। हालेलुया। हमें सिखाने के लिए परमेश्वर कई बार जीरो में ला लेगा। पता है आपको, ये खुदा का तरीका है। हम कई बार चीजों को लेकर निराश हो जाते हैं। अगर प्रभु को सिखाना है हमें, तो प्रभु का बहुत बढ़िया तरीका है सिखाने का। आप जहां कहीं होते हो ना, जिस भी लेवल पे, जिस भी स्तर पे होते हो, प्रभु आपको सबसे पहले वहां से जीरो पे ले आता है, जीरो पे ले आता है, और वो जीरो पे आके आपको पूरी हवा निकल के डाउन कर देगा आपको। अब बोलेगा बेटा अब तू मेरे तरीके से चल। फिर प्रभु का आत्मा के तरीके आपको ऊंचाई पर ले जाते हैं। सीधा उदाहरण है, हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं, मूसा राजमहल में पला बढ़ा, लगभग राजकुमार था, राजा बनने वाला था, ना खाने की कमी, ना शिक्षा की कमी, ना वस्तु की कमी, ना कोई बात की कमी थी उसको। लेकिन जब उसने 40 साल की उम्र के बाद परमेश्वर की आवाज सुनी, तो खुदा बाप ने उसको राजा से महाराजा नहीं बनाया। समझे, खुदा बाप ने कहा बेटा अभी तू राजा है, अभी तुझे सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग चालू आज से। कितना साल प्रभु जी? 40 साल। अगले 40 साल तुझे ट्रेनिंग में रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चल मेरे साथ। एक राजमहल में रहने वाले आदमी को भेड़ बकरियों के पीछे लगवा दिया। वो जंगलों में घूमता था, बकरियों के पीछे, गाय के पीछे, जानवरों के पीछे घूमता था। अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराने लग गया। कहां लाया प्रभु ने एक राजा को? डाउन किया, जीरो किया और सिखाया, अपनी बात किया उस जंगल में। प्रभु बात किया, वो 40 साल में सिखाता रहा, और जब सीख गया तब उसको भेजा। तब हमने देखा कि मूसा उस समय सबसे महान अगुआ बन चुका था। अगर प्रभु को आपके लाइफ में काम कराना है, तो सबसे पहला प्रभु का तरीका, आप यहां पर हो, 100 में हो तो 100 से जीरो में लाएगा, फिर जीरो से सीधा 1000 में आपको पहुंचाएगा, लेकिन 100 के ऊपर आपको नहीं ले जाएगा। सबसे पहले आपको जीरो में लाएगा, घुटने टिकाना सिखाएगा, मुझ पर निर्भर होना सिखाएगा, परमेश्वर पर निर्भर होना सिखाएगा मेरे प्यारों। हालेलुया। इसलिए हमारा काम नहीं निराश होना, आनंदित हो जाओ, समस्याओं को देख के खुश हो जाओ, कोई बात नहीं,
है ना, एक बीच में मैं गाना सुन रहा था, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। सो करना क्या है हमें, रास्ता निकलेगा आपको वही चलना है। निराशा, अपनी मुश्किलों को, अपने टेंशन को, अपने समस्या को ध्यान से देखिएगा, आपको रास्ता वही से मिलने वाला है, कहीं नहीं मिलेगा, रास्ता वही मिलने वाला है। पढ़िए एक उदाहरण, रोमियो चौथा अध्याय, रोमियो चौथा अध्याय 17 से लेके 22 पढ़ना है। हम जिस वचन निकालेंगे पढ़ेंगे नहीं, रोमियो 17 से 22 तक लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, बाइबल नहीं खोल पाएंगे तो लिख लीजिएगा, आप आराम से घर जाके पढ़ सकते हैं। वो अब्राहम के विषय में लिखा गया रोमियो में, कि वह निराशा में उसने आशा रखी, ठीक है, और उन चीजों का नाम ऐसा लेता था जो थी नहीं, मानो है ऐसा नाम लेता था, जो चीज थी नहीं, जो चीज थी नहीं उसका नाम वे ऐसा लेते थे मानो वे है। उसने निराशा में आशा रखी और वही बात उसके लिए धार्मिकता की ना गई। ये कैसे हुआ? अब्राहम बहुत 90 साल की उम्र हो गई है, उसकी बीवी भी बूढ़ी हो गई है, बहुत बूढ़ी है, और प्रभु का वचन था उनके पास बुढ़ापे में, प्रभु का वचन आया था कि अब्राहम तेरे घर में एक संतान होगी और उसके द्वारा मैं तेरा वंश बढ़ाऊंगा, रेत के दाने जितने होते ना उसे कोई गिन नहीं सकता, वैसे तेरे वंश को गिन नहीं पाएगा। अच्छा, आप बूढ़ा आदमी है, वैसे मुंडी मुंडी हिल रही है, ऐसे 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 हाथ पांव हिल रहे, ऐसे 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 प्रभु बात कर रहा है, तेरा संतान होगी और गिन नहीं पाएगा। ओके लॉर्ड, धन्यवाद। उसका नाम अब्राम था, सारा का नाम सारे था, अब उसको नाम इब्राहिम रखा गया, इब्राहिम बहुत जातियों का पिता, सारे से सारा नाम सारा राजकुमारी रखा गया, बहुत बच्चों की मां। उसका दूसरा उदाहरण ट्रांसलेशन ऐसा है। सो ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी, सारा और अब्राहम, जो चीज थी नहीं उसका नाम ऐसे लेते थे मानो है। तो कैसे लेते थे? सारा खाना पकाती होगी और अब्राम को आवाज देना खाना पकाने, नाम अब्राम था, ठीक है, इब्राहिम नहीं था। इब्राहिम का मतलब बहुत जातियों के पिता। तो खाना पक गया तो बोलती थी, अभी बच्चा उनके घर में आया नहीं है, अभी सुनते हो इब्राहिम खाना बन गया है, खाना खाने जाओ। क्या बोली उसने? इब्राहिम। दरअसल क्या बोली उसने? ऐसा बोली, अजी सुनते हो बहुत बच्चों के बाप, यही उसका अर्थ था, अजी सुनते हो बहुत बच्चों के पिताजी, आइए खाना बन गया है खा लीजिए। निराशा में आशा रखी, वो भी बोलता था, सारे नहीं बोलता था, सारे नहीं, सारा राजकुमारी बहुत बच्चों की मां, मैं आ रहा हूं। जब संतान घर में नहीं है तो उसका नाम ऐसा ले रहे थे मानो है। उसने निराशा में आशा रखी। मेरे प्यारों, बताना चाह रहा हूं, रास्ता कहां निकलेगा? हमारे मुश्किलों का, हमारे निराशाओं का रास्ता कहां से निकलेगा? अपनी मुश्किलों को, अपनी समस्याओं को ध्यान से देखिए, रास्ता वही इंतजार कर रहा है, वही से रास्ता निकलने वाला है। हालेलुया। आप बोलेंगे कैसा? इसके भी उदाहरण है, रास्ता निकलता। एक आदमी का गधा था, बहुत अपने गधे से करता था वो, ठीक है, जैसे आप करते हो अपने फिलिंग द ब्लैंक से, वैसे एक आदमी अपने गधे से बहुत प्यार करता था और वह गधे को लेकर यात्रा कर रहा है। तो गधा चलते चलते वो भी गड्ढे में गिर गया, समान वो भी गड्ढे में गिर गया, गड्ढा भी गहरा था, रास्ते में जंगल सुनसान कोई नहीं है। तो आदमी ने गड्ढे को निकालने का प्रयास किया, कैसा निकालू कैसा निकालू, लकड़ियां डाल रहा है, रस्सी थी पास में रस्सी डाल रहा है, कुछ कर रहा है। सुबह से लेकर शाम हो गई, सारे परिश्रम व्यर्थ हो गए, वो गधा निकाल नहीं पाया, सूरज डूबने पर था। मालिक ने सोचा, मैं अपने गधे से बहुत प्यार करता हूं, मैं उसको ऐसा मरते हुए देख सकता नहीं तड़पते हुए, ऐसा करता हूं इसका जिंदा ही मैं फिनरल यानी अंतिम संस्कार अंतिम क्रिया कर देता हूं, इसको दफना देता हूं जिंदा ही। तो उसने क्या किया, गड्ढे के आजू बाजू मिट्टी इकट्ठा करना चालू कर दिया और मिट्टी को इकट्ठा करके वो गड्ढे में डालता गया, गड्ढे में डालता गया। गड्ढे में कौन है? गधा। गधा ऐसा खड़ा है तो मिट्टी कहां गिरी? गधे के पीठ के ऊपर। गधे को तो कुछ नॉलेज ही नहीं, हो क्या रहा है मेरे साथ, तो
पीठ पे मिट्टी गिरी, जैसे मिट्टी गिरती था अपनी पीठ को ऐसा हिलाता था क्योंकि वो उसकी प्रॉब्लम थी, वो मिट्टी गिर रही थी उससे उसको समस्या हो रही थी, और वो किसको हिला रहा, समस्याओं को हिला रहा है। मैं आपको एक बात, शेक योर प्रॉब्लम, आपकी समस्याओं को हिलाइए। गधे ने हिलाया, वो मिट्टी डालता गया, ये गधा हिलाता गया, मिट्टी डालता गया, जैसे मिट्टी जमा होती थी तो एक थर गधा दो कदम रह उसके ऊपर चढ़ गया। वो आदमी को पता ही नहीं अंदर क्या हो रहा, बस रो रहा है मेरा बेचारा गधा। वो मिट्टी डालने का काम चालू, वो मिट्टी गिरती थी पीठ के ऊपर में, पीठ हिलाता था, मिट्टी गिरती थी उसके ऊपर चढ़ के ऊपर, ऐसा करते 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 इतना मिट्टी का ढेर जम गया गधा बाहर। हालेलुया। हाँ जी, दिन सुबह से लेके शाम तक कोशिश किया, कैसे निकालू। जब हार मान लिया तो मौत, गधे ने मर जाना चाहिए, ये कत्ल की रात है, मर जाना चाहिए। जैसे सोचा मर जाना चाहिए, वो जिंदा हो गया। हालेलुया। जब आप मुश्किलों को देखते हो, अब खत्म कर दूंगा, खत्म नहीं, वही शुरुआत है। इब्राहिम ने अपने बेटे को इसहाक को बलि के लिए ले गया, हाथ बांध दिए, लकड़ियां लिटा दिया, सब कर दिया, उसको भी लिटा दिया, आग लगने वाली है, और तलवार ले लिया और बिल्कुल उठा लिया। अंतिम समय प्रभु ने हाथ थाम लिया, रास्ता वही निकाला, क्योंकि उसका नाम यहोवा ईरे है, उपाय करने वाला। तो मुश्किलों में उपाय नहीं निकल रहे इसलिए परेशान हो आप, मैं बताऊं उपाय वही निकलेंगे। शांत रहो, प्रभु की ओर चुपचाप देखते रहो, वो रास्ता बनाने वाला है। हालेलुया। निराश मत हो, निराशा हमारे लिए नहीं है, इस हत्या को हम पर प्रभावशाली दो। शैतान को बोलो, अरे शैतान दुष्ट, मेरे जीवन से निराशा को आज मैं उखाड़ फेंकता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं निराश नहीं होंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। है ना, आपका गैस पाइपलाइन हमारे महाराष्ट्र में नहीं होती है, सिलेंडर खत्म होता है, महिलाएं रोने लगती है, अरे सिलेंडर खत्म, अब खाना कैसे बनाएंगे। सिलेंडर हमारे यहाँ एक बार ऑर्डर दो तो 4 दिन बाद 5 दिन बाद सिलेंडर आता है, तब तक क्या करूं? तो मैं महिलाओं को बोलता, अरे चिंता मत करो, सिलेंडर खत्म हो गया तो इसलिए तुम्हारे घर का प्रभु ने सिलेंडर खत्म करवाया है, अगले 3 दिन होटल में खाना खाना है। हालेलुया। काहे चिंता करते हो बेटा, काहे फिर निराश हो, सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर खाना खाना, काहे निराश, होटल में जाएंगे, तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारे पति की प्रॉब्लम है, वो जाएगा और तुमको होटल में ले जाएगा, तुमको 3 दिन का आराम देने के लिए खुदा बाप ने सिलेंडर लेट पहुंचवाया है। रास्ता वही है, जहां समस्या है रास्ता वही है, रास्ता वही से निकलने वाला है। मेरे प्यार, हम मैं बहुत 5 मिनट में खत्म करने वाला हूं, आपको खत्म करने वाला हूं। मेरे प्यारो, विश्वासी जो होंगे वह निरुपाय यानी जिसका कोई उपाय नहीं। चलो वचन ही पढ़ लेते हैं, दूसरा कुरिन्थियों चार उसका आठ। ओ तेरी, मेरे तो गुजराती भी नहीं आती है, मैं पढ़ता हूं हिंदी में। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते हैं। हम मतलब कौन? वो रिपोर्ट करने गए थे दुष्ट की सेना, वो इसीलिए आए थे आपको क्लेश में डालने के लिए। और विश्वासी बोलते हैं, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। आगे लिखा है निरुपाय तो है, निरुपाय नहीं, निरुपाय यानी जहां कोई उपाय नहीं होता, रास्ता नहीं बनता। निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। विश्वासी निरुपाय हो सकते हैं परंतु निराश नहीं हो सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास एक आशा है, स्वर्गीय आशा, उत्तम आशा। पता है बाइबल में लिखा है, अभागा है वह जो इसी जीवन पर मसीह से आशा लगाए रहता है। अगा बोला कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, अभागा कौन है जो इसी जीवन से मसीह से आशा लगाए रहता है। इसी जीवन से यानी घर चाहिए प्रभु,
बंगला चाहिए प्रभु, कार चाहिए प्रभु, कपड़े चाहिए प्रभु, खाना चाहिए प्रभु, ये चाहिए प्रभु, इसी जीवन से आशा लगा और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और तुझसे क्या मांगू प्रभु, तू तो सब देने वाला जानने वाला प्रभु। और तू अरे और तुझसे और तुझसे बोलते हो कितना मांग लिया है, और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस एक बंगला दे दो, बस कुछ नहीं चाहिए। अरे और अब बोलते कितना मांग, हम रात और दिन यही सब चीजें मांगते रहते हैं। मैं बताऊं अगर इसी चीजों पे हम जी रहे हैं तो हमसे ज्यादा अभागे कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। जैसे शर्ट लिया वो तो पोछा लगाने के काम का आ जाएंगे 2 साल के बाद में, खाना खाया वो कहीं और चला जाएगा, कितना भी स्वादिष्ट खा लो, ऐसा वचन बोलता है। तो हमारे पास आशा है, स्वर्ग की आशा, दुख की गहराइयों में वो कभी छोड़ेगा नहीं, उसने हाथ थामे रहने का वादा किया है। हम निराश ना हो इसलिए प्रभु ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ ली है। आखिरी वचन पढ़कर समाप्त करेंगे। हम निराश ना हो, शैतान वो पावरफुल हथियार हम पर प्रभावशाली ना हो इसलिए यीशु ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। आज उस लड़ाई से हमें विजय मिलना है। आखिरी वचन पढ़ेंगे इब्रानियों अध्याय 12, इब्रानियों अध्याय 12 और वचन 3, इब्रानियों अध्याय 12 और वचन 3 मैं पढ़ता हूं आपके लिए, सुनिएगा। सबने निकाल लिया, नहीं भी निकाल पाएंगे तो लिख लेना बाद में, लेकिन सुनना जरूरी है, सुनिएगा। इसलिए 12:3 इब्रानियों, इसलिए उस पर ध्यान करो, किस पर, यीशु पर, जिसने अपने विरोध में, अपने आने यीशु खुद के अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया, पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर ही आओ ना छोड़ दो, तुम निराश होकर हिम्मत ना छोड़ दो, इसलिए यीशु ने पापियों का वाद विवाद सह लिया। हमारे यीशु प्रभु आज भी लड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि हम निराश होके हिम्मत ना हार जाए, हिम्मत ना छोड़ दे। इसलिए मेरे प्यारों, निराशा से मुक्ति पाना है तो अपनी निराशाओं को हिलाइए, हिलाइए, जहां बैठे हैं बैठे बैठे उस गधे के समान अपने समस्या को शेक कीजिए, हिला के, थोड़ा सा हिला के दिखाइए, 1 2 3 हिलाओ, यस, खुद को बोले शेक योर प्रॉब्लम, शेक माई प्रॉब्लम, मैं अपनी समस्या को हिलाता हूं। रास्ता वही बनने वाला है यीशु के नाम से, मैं बाहर निकलूंगा, मैं गड्ढे में नहीं रहूंगा, मैं गड्ढे में नहीं रहूंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने कलवरी क्रूस पे जो दुख उठा लिया है वो इसलिए ताकि हम सिर्फ और सिर्फ निराश होकर हिम्मत ना हार जाए, हिम्मत ना छोड़ जाए। मेरे प्यारो, ये प्रभु का प्यार है। आइए हम निराशा से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें और प्रभु के सामने चले। शायद हो सकता है कि हम कालेब के समान निराशावादी दोस्तों से घिरे, जिन्होंने समस्याओं को देखकर, मुश्किलों को देखकर यह बात कि हम नहीं जीत पाएंगे, पर कालेब ने खूब भरोसा रखा और इस कारण उस देश को जीत लिया गया। आइए हम सब यीशु पर भरोसा करें और प्रभु से कहें, प्रभु तू मुझे आज निराशा के बादल से मुक्त कर। थैंक यू, धन्यवाद यीशु। मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम से, सारे बंधन दुष्ट ने हमारे ऊपर बांध के रखे हैं और विशेष रूप से निराशा के बंधन कईयों के सुनों पे, जीवन पे, परिवार पे, व्यक्तिगत जीवन पे, जो निराशा के बंधन है, निराशा के कारण वे लोग दब रहे हैं, आत्महत्या की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ छोड़ने को, हारने को तैयार है। मैं दुआ करता हूं ऐसे लोगों के लिए, यीशु के नाम से ये सारी निराशाएं तुम जाती जाओ, जाओ, तुम्हारा काम हमारे जीवन में नहीं है, क्योंकि निराश तो परमेश्वर के शत्रु होगे, विश्वासी नहीं, प्रभु के बच्चे निराश नहीं होंगे। जाओ यीशु मसीह के नाम से, हम प्रभु के आनंद को स्वीकार करते हैं, प्रभु के आनंद को ग्रहण करते हैं और प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत और हमारा बल बन जाएगा। यीशु मसीह, हम आज तुझ में आनंदित और बलशाली रहेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते, यीशु राजा,
धन्यवाद तूने पापियों से वाद विवाद सह लिया ताकि हम हियाव ना छोड़े। प्रभु इन प्यारे लोगों के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। हो सकता है बहुत सारे लोग रो रहे हैं, दुखी है, निराशक उन बादल से घिरे हुए हैं, लगता है कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं, कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए, कुछ नहीं रास्ता बनेगा मेरे लिए। लेकिन तूने वादा किया, तूने सब सह लिया क्रूस पे प्रभु, ताकि हम आनंद पाए, निराशा नहीं। अमी आज हम सब के जीवन में आनंद दीजिए और निराशा से मुक्त कीजिए। हम विनती करते ईश्वर राजा हमारे आसपास प्रभु जी ऐसे निराशावादी लोगों को प्रभु आप भटकने मत दीजिए। ईश्वर राजा हमसे केवल सकारात्मक बात करने वाले, पॉजिटिव बात करने वाले, प्रभु के वचनों की बात करने वाले, सच्चाई और धार्मिकता की बात करने वाले ऐसे लोगों को रखना पिता राजा, जिससे हम विश्वासी आनंदित हो जाए, प्रतिदिन बल प्राप्त करे ईश्वर राजा और तेरी महिमा कर सके। प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, तूने हम सबको छुआ और बंधन मुक्त किया। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, महिमा आदर गौरव आपको देते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं।